आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सतना जिले के कोटर थाना क्षेत्र में रंगदारी वसूलने पहुंचे रीवा के 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके कब्जे से पिस्टल सहित कार और जिंदा कारतूस जब्त की गई है। आशंका जताई जा रही थी कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से वहां आए थे, लेकिन पुलिस को मिली सूचना के बाद घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को पकड़ लिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सतना जिले के कोटर थाना अंतर्गत ग्राम खमरिया गांव निवासी रामलखन सिंह उर्फ 53 वर्ष के घर में कार में सवार होकर 3 की संख्या में बदमाश पहुंचे थे। बदमाशों ने उनसे शराब पीने के लिए रुपए मांगे। जब उन्होंने रुपए देने से इनकार कर दिए तो आरोपियों ने उनके साथ जमकर मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही सतना SP आशुतोष गुप्ता ने कोटर पुलिस को तत्काल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने घेराबंदी करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तलाशी के दौरान 9 mm की पिस्टल कारतूस सहित कार को जब्त किया है। वारदात के संबंध में तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान विवेक द्विवेदी पिता राम बिहारी द्विवेदी उम्र 29 वर्ष निवासी पपखरा थाना चुराहटा, विपिन सिंह पिता राज बहादुर सिंह उम्र 21 वर्ष व प्रदीप सिंह दोनों निवासी बरवाह थाना चुराहटा के रूप में की गई है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।